चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कोई डाउट है कल की क्लास से? नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, टॉपिक देना कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस निकाल लिया, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है? स्क्यूनेस ऑफ एस डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एस का 3/2 या 1.5। अब देखो जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंग स्क्यूनेस हमारा कितना आ रहा है, लैम्डा एम थ्री। कल जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग लैम्डा एम थ्री, और ये कितना आ रहा है, वेरियंस कितना आ रहा था, लैम्डा एम टू, है ना? तो लैम्डा एम टू होल टू द पार 1.5, विच इज, अगर हम लोग देखें लैम्डा एम थ्री, लैम्डा 3/2, एम टू टू दी पार 3/2। नाउ इफ यू सी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में हम लोग क्या देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के नाइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, राइट टेल्ड, राइट टेल्ड बोलना गलत है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड, और जीरो है तो सिमेट्रिकल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लैम्डा इज पॉजिटिव, हैज टू बी, बिकॉज इट्स अ पॉइजन पैरामीटर, एंड पॉइजन पैरामीटर हैज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स है। हर चीज का लॉजिक समझो। एम टू एम थ्री, एम टू इज वॉट, वेरियंस, हैज टू बी पॉजिटिव। एम थ्री इज वॉट, स्क्यूनेस एंड पॉइजन, एंड हमारा इसका एम थ्री पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एस इज वॉट, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, लॉसेज है, लॉसेज मॉडल कर रहे हो, विच इज पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये पूरा चीज हम लोग क्या समझ रहे हैं, शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस वी ऑल्सो सी दैट इट्स पॉजिटिवली स्क्यूड। एंड अगेन अनदर थिंग, वाई एम थ्री एंड एम टू विल बी पॉजिटिव, बिकॉज एम थ्री एंड एम टू इज वॉट, मोमेंट्स ऑफ एक्स, एक्स इज वॉट, क्लेम अमाउंट। कैन क्लेम अमाउंट बी नेगेटिव, ऑल द क्लेम अमाउंट्स आर पॉजिटिव, तो उसका एम टू एम थ्री मोमेंट्स पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव वैल्यूज का, है ना? तो ये पॉजिटिव आ गया। सो सिंस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसको ना घुमा दे अगर वो तेरे तरफ आ रहा है तो, पीछे पीछे की तरफ नहीं तो घुमा दे, हाँ ठीक है, नहीं तो पीछे रख दे, अगर प्रॉब्लम है ना पीछे वाले डेस्क पे रख दे, सही रहेगा। सिंस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी व्हाट, पॉजिटिवली स्क्यूड। कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे कंपाउंड बाइनोमियल। जैसे हमने कंपाउंड पॉइजन करा है वैसे हम लोग करेंगे कंपाउंड बाइनोमियल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन यहां हम लोग ले रहे हैं एन फॉलोज बाइनोमियल एन कॉमा पी। एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, एनी पॉजिटिव लीस्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब वापस से यूजिंग एमजीएफ अप्रोच क्या क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस, वेरियंस ऑफ एस एंड स्क्यूनेस ऑफ एस। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ एमएसटी, सबसे पहले एमएसटी अगर निकल जाएगा तो सीएसटी निकल जाएगा। एमएसटी का फॉर्मूला क्या है, एमएनटी एमएन ऑफ लॉग एमएक्सटी। ठीक है, अब टेबल बुक खोलो, टेबल बुक से बताओ इफ एन फॉलोज बाइनोमियल तो उसका वो क्या होता है,
MGF क्या होता है? Q प्लस पी एन तो अब इस केस में हमारे केस में क्या हो जाएगा? Q प्लस पी ई टू दी पार टी टी के जगह पे ये पूरा चीज लॉग एम एक्स टी इंटायर थिंग एन वो कट गया तो क्या बचा? क्यू प्लस पी लॉग नहीं लॉग भी कैंसिल होगा सॉरी क्यू प्लस पी एम एक्स टी होल टू दी पार एन ये बचा सी एस टी क्या होगा? सी एस टी इज लॉग ऑफ एम एक्स टी लॉग ऑफ दिस इज बेसिकली वॉट लॉग ऑफ दिस इज बेसिकली वॉट एन लॉग क्यू प्लस पी एम एक्स टी। अब क्या क्या निकालना है तुमको? सी सी एस डैश टी सी एस डबल डैश सी एस ट्रिपल डैश करो ट्राई ट्राई करो। चलो इंटीग्रेशन होगा थोड़ा स्लाइट बट चेन रूल यूज करके करना है इसको। हाँ यहां तक आया सी एस डैश टी एन गलत। पहले तो तुम पूरा नीचे लेके जाएगा ना लॉग है क्यू प्लस पी एम एक्स। अच्छा तुम वैसे बता रहा था तो ये हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे तो इसको डिफरेंस करेंगे तो किसके टर्म्स में? टी के टर्म्स में कर रहे हो क्यू का कोई वो नहीं है पी एम एक्स डैश टी हो गया इसको यहां लिख देते हैं अब इसमें जीरो डालो विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एस विच विल बी एन पी एम वन हो जाएगा ये मैं स्ट्रेट अवे लिख रही हूँ एम एक्स डैश जीरो एम वन हो जाएगा और नीचे हो जाएगा क्यू प्लस पी एम एक्स जीरो क्या होता है कैसे? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी इंटू एस टी के जगह पे आप क्या डाल रहे हो? जीरो e टू द पावर जीरो इज वन विच इज वन गॉट इट। तो ये हो गया हमारा नीचे में इंटू वन दिस क्यू प्लस पी इज बेसिकली वन सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एन पी एम वन। ठीक है सिमिलरली सी एस डबल डैश टी। अब देखो थोड़ा डिफिकल्ट है एज एन आई विल नॉट सी डिफिकल्ट बट थोड़ा ट्रिकी है। वॉट यू कैन डू इज यहाँ पे ना इसको देखो दो रूल्स होते हैं एक होते हैं यूवी रूल
एक होता है यू बाय वी रूल, रिमेम्बर? तो अपने ना यू वी रूल करेंगे तो इजी रहेगा. मुझे पर्सनली यू बाय वी वाला रूल उतना ग्रेट नहीं लगता, बट इफ यू वॉन्ट टू यू कैन डू दैट. ठीक है, ये हो गया क्यू प्लस पी एम एक्स टी होल टू द पावर -1. तो अब इसमें आप यू वी रूल लगा सकते हो. ठीक है, तो एक मैं करके दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका यू है, ये आपका वी है. ठीक है, तो अपने सबसे पहले यू को करते हैं डिफरेंशिएट. तो क्या हो जाएगा, एन पी एम एक्स डबल डैश टी, यस और नो? दिस और ये वाला एज इट इज आ गया. फिर इसको डिफरेंस करो, तो इसको डिफरेंस करेंगे नीचे है, तो एक माइनस रहेगा. एन पी एम एक्स टी तो है ही ऐसा का ऐसे ही. ठीक है, बचा क्या, ये वाला. अब इसको हमने माइनस साइन यहां ले लिया, क्या होता है, कैसे करेंगे इसको, पूरा क्यू प्लस पी एम एक्स टी का स्क्वायर. -1 -1 -2 हो गया, तो वो नीचे आ जाएगा. इनटू पी एम एक्स डैश टी डबल डैश टी, नहीं डैश टी, सही है? वी कैन राइट दिस अकॉर्डिंगली. वैसे आप लिख सकते हो जैसे, क्योंकि ट्रिपल डैश भी करना पड़ेगा. अब अगर देखें, सी एच डबल डैश 0 डालो, तो डालो एन पी एम एक्स डबल डैश 0, नीचे वाला वापस से 1 हो गया, मैं नहीं लिख रही पूरा, माइनस ऊपर वाला एन पी. इसको भी ना अपने डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, आप लोग एक स्टेप करके दिखाओगे. मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ एम टू, हाँ कि ना, माइनस एन पी, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर. हाँ, तो वो कट गया, और ये इनटू पी एम 1 वापस, तो ये पूरा क्या हो गया, पी स्क्वायर एम 1 स्क्वायर. अब रुक जाओ, स्क्यूनेस निकालने के पहले एक बार देखो, ध्यान देना. कैन वी डू दिस अकॉर्डिंग टू व्हाट वी डिड अर्लियर? मैंने आप लोग को जो डेरिवेशन कराया था, देखना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इन आर केस इज एन पी, दिस इज एम 1, सेम सेम, लेट्स डू फॉर वेरियंस एंड चेक. ये आपका क्या है, ये आपका वेरियंस ऑफ एस सी है ना, तो वेरियंस ऑफ एस का क्या फॉर्मूला लिखा है, पेज 13 है आई गेस, या टेबल बुक का चेक करके बताओ क्या है, 15 16 16, पेज 16 ऑफ टेबल बुक. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ एन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इंटू, ये स्क्वेयर है ना इधर. अब डालो इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, आर यू श्योर अबाउट इट? ठीक है, ठीक है, तो फिर ये बोलो, ये हो जाएगा एम 1 स्क्वायर. वेरियंस ऑफ एन क्या होता है, एन एन पी क्यू बाइनोमियल है ना, एन बाइनोमियल एन पी क्यू, एन फॉलोज बाइनोमियल है ना, और ये एम 1 स्क्वायर लिख रहे हैं क्योंकि एक्स का तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ वैसे है नहीं. एक्सपेक्ट एन पी, वेरियंस कैसे निकालोगे, वेरियंस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, विच इज एम 2 माइनस एम 1 का स्क्वायर. ब्रैकेट ब्रैकेट खोल दो, क्या हो जाएगा देखो, यहां ना क्यू को मैं ऐसे लिख रही हूं, 1 माइनस पी. ठीक है, अब इसका ब्रैकेट खोलो, एम 1 स्क्वायर एन पी माइनस एम 1 स्क्वायर एन पी स्क्वायर प्लस एन पी एम 2 माइनस एन पी एम 1 स्क्वायर,
क्या हो गया देखना, ये और ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास, एन पी एम टू माइनस एन पी स्क्वेर एम वन स्क्वेर, इज दिस सेम एज दिस थिंग? दोनों तरीके से देखा तो एग्जाम में ना कुछ भी आ सकता है, एमएसटी एमजीएफ अप्रोच भी यूज करने बोल सकते हैं या फिर ये वाला अप्रोच यूज करने भी बोल सकते हैं। करो फिर स्क्यूनेस निकालना है, ये भी कर लेना, देखो एक्सपेक्टेशन वाला भी कर लेना, ये देख लेना। अच्छा ओ, ये एडजस्टेड नहीं है क्या इधर? अच्छा अच्छा उसको एडजस्ट करेंगे अभी। हुआ यहां तक? एक बार देख देखो, स्क्यूनेस भी कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि स्क्यूनेस में सोचो कितना हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। अब देखो ये जो टर्म है, मैं एक काम करती हूँ, इसका ना एक बार कॉपी बना के नीचे से लेके जाती हूँ ताकि ऐसे इजी रहे। हाँ ये नीचे रैक क्यों नहीं हो रहा? ऐसे तो नहीं होता था पहले।
ये सी एस डबल डैश टी था, ठीक है। अब सी एस ट्रिपल डैश टी निकालेंगे तो उसको देखो कैसे डिफरेंस करेंगे। अगेन ये एक टर्म है, ये वाला एक टर्म है, ये वाला एक टर्म है, ठीक है। यूवी वाला रूल अगेन वी कैन यूज एंड वी कैन अप्लाई दैट। तो इसको इसके लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले एन पी एम एक्स ट्रिपल डैश टी हो जाएगा और नीचे वाला एज इट इज लिख देते हैं क्यू प्लस पी, ठीक है, माइनस एन पी एम एक्स डबल डैश टी, ये हो जाएगा क्यू प्लस पी एम एक्स टी का स्क्वायर इनटू पी एम एक्स डैश टी, ठीक। ये पहला टर्म हो गया, कुछ बच रहा है? नहीं। अब इसके बाद दूसरा टर्म, ये वाला माइनस, पहले ना अपने काम करते हैं, इसको साथ में कैसे लिख सकते हैं बोलना, स्क्वायर एम एक्स डैश टी का स्क्वायर, ठीक है, यही है। तो अपने इसको ना ऐसे लेते हैं, पहले न्यूमरेटर एन पी स्क्वायर, ये हो जाएगा टू एम एक्स डैश टी एम एक्स डबल डैश टी, यस। क्यों इसको सॉल्व कर रही हूं मैं, देखो इसको तो टू इधर आ गया एम एक्स डैश टी, और फिर वापस उसको डिफरेंस करेंगे डबल डैश, ठीक है, और नीचे वाला एज इट इज कॉपी पेस्ट, पहले देख लो फिर करना। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन पी स्क्वेर एम एक्स डैश टी का स्क्वेर, नीचे क्यू प्लस पी एम एक्स टी का क्यूब एंड बाहर आ गया पी एम एक्स डैश टी। चार टर्म्स आ रहे हैं, बस हो गया। अब इसमें जीरो डाल के करूं, निकालू क्यूनेस। ये एक बार देखो, ये हो जाएगा M3
नीचे प्लस वन माइनस, ये हो जाएगा एन पी स्क्वेयर एम वन एम टू, ये वाला पी स्क्वायर हो गया, ये दो पी टर्म्स हैं, और ये एम वन हो गया, ये एम टू हो गया, फिर नीचे वाला वापस से सेम माइनस टू एन पी स्क्वायर एम वन एम टू प्लस, नीचे वाला वापस से वन हो जाएगा, एन पी क्यूब एम वन क्यूब, क्योंकि ये है एम वन स्क्वायर और ये एम वन, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये थ्री, ये सेकेंड और थर्ड टर्म देखो, सेकेंड और थर्ड टर्म है ना, ऐड हो जाएगा एन पी एम थ्री माइनस थ्री एन पी स्क्वायर एम वन एम टू प्लस टू प्लस, देर शुड बी, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकना, यहाँ एक टू का टर्म मिसिंग है, ये जो टू है ये टू तो हमने लिखा ही नहीं ना, प्लस तो किया था पर ये टू नहीं लिखा, टू का टर्म मिसिंग आ गया था, इसको चेंज कर लेना, ये टू हो जाएगा एन पी क्यूब एम वन क्यूब, हुआ। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, तो ये हम लोग ने कंपाउंड बाइनोमियल कर लिया, सिमिलरली कंपाउंड नेगेटिव बाइनोमियल भी है, वो हम लोग बाद में करेंगे, वो लास्ट होगा, मतलब ये तीन करते हैं जस्ट टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग। लिखो सम्स ऑफ कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, लिखो अ वेरी यूजफुल, अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट द सम ऑफ इंडिपेंडेंट कंपाउंड पॉइजन रैंडम वेरिएबल इज इटसेल्फ अ कंपाउंड पॉइजन रैंडम वेरिएबल, इज इटसेल्फ अ कंपाउंड पॉइजन रैंडम वेरिएबल, अ फॉर्मल स्टेटमेंट, फॉर्मल, अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट एस वन एस टू डॉट 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 एस एन, एस टू डॉट डॉट एस एन बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल फुल स्टॉप, सपोज ईच एस आई, सपोज ईच एस आई हैज अ कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन
विथ पैरामीटर लैम्डा आई, विथ पैरामीटर लैम्डा आई, एंड द सीडीएफ ऑफ इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट रैंडम वेरिएबल आरवी लिख दो, शॉर्ट फॉर्म रैंडम वेरिएबल फॉर ईच एस आई इज एफ एक्स आई. ये कॉपी करूं, देन नीचे देन ए हैज अ कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ए हैज अ कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर कैपिटल लैम्डा. देखो ऐसा दिखता है कैपिटल लैम्डा. एंड एफ एक्स इज द सीडीएफ ऑफ इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट, इज द सीडीएफ ऑफ इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट रैंडम वेरिएबल फॉर ए, फॉर ए वेयर लैम्डा इज इक्वल टू, देखो कॉपी करूं, एंड एफ एक्स इज कॉपी करो, देन आई विल एक्सप्लेन. हमने क्या पढ़ा है कि जो एस है, एस इज व्हाट, एस इज अ कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. उसके अंदर क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट डॉट, ऑल द एक्स आईज आर आईआईडी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स. अब हम ये नहीं बोल रहे, ध्यान से सुनना, हम ये नहीं बोल रहे कि अब क्या कर रहे हैं, सारे कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस को ऐड कर रहे हैं. मान लो मेरा एक इंश्योरेंस कंपनी है, आई एम सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, लाइक आई एम सेलिंग कार इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, वट एवर. तो एस वन इज कार का पोर्टफोलियो, एस टू इज फायर का पोर्टफोलियो, ऐसे करके, ठीक है. तो एस वन एस टू आपस में क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, है क्या? नहीं. आइडेंटिकल कैसे हो सकते हैं, लैम्डा सेम नहीं होगा ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा, बट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है. तो ऑल एस आईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट नॉट आइडेंटिकल, आर इंडिपेंडेंट बट नॉट आइडेंटिकल, बट नॉट आइडेंटिकल, इंडिपेंडेंट बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है. तो इस केस में ये जो एन है, ये मैंने कैपिटल एन नहीं लिया है, स्मॉल एन लिया, क्योंकि ये फिक्स्ड है. आपको पता है ना आपके कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आप बेच रहे हो, ठीक है ना. बट हर एक एसआई के अंदर क्या क्लेम आएगा ये आपको नहीं पता है. जैसे हो सकते हैं ना, एस वन के अंदर 10 क्लेम आ सकते हैं, 15 क्लेम, 20 क्लेम, ये नहीं पता. तो वो एक्साइज का कितना एक्साइज है वो नहीं पता हमें, ये हमें पता है एस वन एस टू एस थ्री डॉट डॉट एस एन तक, ये मुझे पता है कि एन फिक्स्ड है. गॉट इट? व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल दीज आर पॉइजन कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. इफ आई एड
all compound poison distribution, I get again something which is a compound poison with parameter capital lambda, that is what we call it, which is nothing but summation of all the lambdas. So A is a compound poison distribution where poison parameter is capital lambda, which is a summation of all the lambda 1, lambda 2, dot, dot, lambda n tak. And jahan hum log fx agar nikalna chahe of x of individual claim, to kaise nikalenge? Weighted average. Jahan pe aapka weights kya hai? Lambda is the weight you are assigning to fxi. Fxi is fx1 is s1 ka, fx2 is s2 ka, fxn is sn ke andar ka x ka values. Usko aap weight kya de rahe ho? Lambda is the weights that you are assigning. Chik hai na? Got it? Understood? Dekh lo ek baar. Ye hai. Ab iska na inherent rule kya hota hai? When you poison process is additive, you can add poison process basically. Chik hai, toh agar aap poison distributions ko add karte ho, aapka lambda add ho jata hai. Isko hum log aage jaake bolenge thinning of poison process padhenge. Bahut interesting hai. Poison process, poison, thinning of poison process hum log aage jaake aur detail mein padhenge. Abhi main bahut detail mein nahi ja rahi hu. Theek hai? Next topic likhna. Convolutions. Ye pehle CS1 mein tha, CT3 mein. Now they have removed it. तो इट्स अगेन सिमिलर. तो कॉन्वोल्यूशंस में एफ जेड जेड इज अगेन अ रैंडम वेरिएबल. ठीक है, समेशन फॉर ऑल एक्स क्या फिर अगर इंटीग्रेशन है यहां होता क्या है ना, यहां बेसिकली हम बोलते हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस y, x इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, y इज अ डिस्ट्रीब्यूशन. ये चीज हम ऊपर कर रहे थे एक तरीके से. फॉर एग्जांपल x भी पॉइजन है, y भी पॉइजन है, तो z का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो. कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे. एक एग्जांपल ले लो. चलो लेट्स सब, चलो हम लोग पॉइजन ही करते हैं. एक्स फॉलोस पॉइजन लैम्डा, वाई फॉलोस ठीक है, z is x plus y, find the PDF question is, find the PDF of z. ठीक है, तो using this logic, देखो आप ना कैसे करते हो, आप x के terms में डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट या सम करते हो. सो इफ एक्स इज कंटिन्यूअस तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इफ एक्स इज डिस्क्रीट तो यहाँ क्या है, एक्स इज, यहाँ एक्स इज डिस्क्रीट, पॉइजन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी विल यूज समेशन. गॉट इट? चलो ट्राई करते हैं एफ जेड निकालने का. Summing over all values of x. क्या लिखा है मैंने ऊपर, PDF of x into PDF of y. उसके अंदर z minus x है. अच्छा, ये basic clarity है क्या आप लोग को concept में, when we write something like this, इसका क्या मतलब है? It's a PDF of x जिसमें आप value डाल रहे हो small x का. When I'm saying something like this, PDF किसका है? X का ही PDF है, बट उसमें वैल्यू आप Y डालोगे. जैसे आप PDF लिखते हो ना, तो X की जगह Y डालोगे. सो दिस इज बेसिकली द वैल्यू एंड दिस इज बेसिकली द वेरिएबल जिसका भी वो
पीडीएफ है, ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर है। चलो तो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ पॉइजन, ई की पावर में माइनस लैम्डा, लैम्डा टू दी पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल, और इनटू क्या था, एफ वाई जेड माइनस एक्स। तो वाई का पीडीएफ, वाई का पीडीएफ इज अगेन यहाँ पे पॉइजन, तो ई टू दी पावर माइनस म्यू, म्यू टू दी पावर वाई नहीं लिखेंगे, जेड माइनस एक्स लिखेंगे, वेरी गुड। और नीचे क्या लिखेंगे, जेड माइनस एक्स का फैक्टोरियल। अब देखो ये ट्राई करना है कि ये जो अब हमने बनाया ये मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा है, कि कैसे हम इसका एक अलग से पॉइजन कैसे हम अलग से इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। तो जो भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो बाहर चला जाएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा प्लस म्यू बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है, फॉर ऑल एक्स लैम्डा टू द पावर एक्स म्यू टू द पावर जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल जेड माइनस एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो टेबल बुक थोड़ा यूज करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी है। क्या करेंगे देखना, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोग ना एक वो खोलो, पेज 3, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं है, पेज 2 पे है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें जेड का पीडीएफ बनाना है, तो जेड हमारा वेरिएबल है, बाकी सारे वेरिएबल्स नहीं है, है ना। तो ये जो है ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल है। तो अब अगर आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन देखोगे, अब अगर आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन देखोगे उसका देखना है, ऐसा कुछ टर्म है क्या, पी प्लस क्यू या ए प्लस बी क्यू टू दी पार एक्स, ए प्लस बी टू दी पार एक्स है, ए प्लस बी टू दी पार एन है ना, इसका एक्सपेंशन कैसे है, ए टू दी पार एन, हाँ प्लस एन सी वन, ठीक है, इनटू बी नहीं है इसमें, एन डॉट डॉट डॉट, ये पूरा है एन तक, लास्ट क्या है एक बार देना मेरे को, हाँ ये वाला 1 + x^p वाला, वन प्लस एक्स टू दी पार पी, दिस इज देयर ऑन पेज नंबर 2 ऑफ टेबल बुक। इसका एक्सपेंशन देखो कैसे है, सो एक सेकेंड रुको, लेट मी फर्स्ट राइट इट डाउन इन दिस वे, तो आप लोग को इजी होगा समझने में।
लेट मी टेक एक्स फैक्टोरियल बाहर, ठीक है, या फिर एक काम करो, ऐसा कर लो कि ये आ रहा है समेशन, ठीक है, लैम्डा टू द पावर एक्स म्यू टू द पावर जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल जेड माइनस एक्स फैक्टोरियल इनटू जेड फैक्टोरियल. तो एक बाहर और अंदर दोनों एक्स फैक्टोरियल जेड फैक्टोरियल जेड फैक्टोरियल हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, कैन आई राइट इट लाइक दिस नाउ? समेशन फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, ये वाला जो है, इस पार्ट को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जेड सी एक्स, जेड सी एक्स, क्योंकि एन सी एक्स का क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल होता है, ऐसे लिख सकते हैं, इंटू लैम्डा एक्स म्यू टू द पावर जेड माइनस एक्स. अब एक बार ध्यान दो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब है एक्स का वैल्यूज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 0, 1, 2, ……, क्योंकि एक्स फॉलोज पॉइजन, पॉइजन में वैल्यूज कहाँ से कहाँ जाते हैं, 0, 1, 2, 3, ∞. तो यहाँ हम डालोगे अगर, ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या लग रहा है आपको, एक तरीके से आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लग रहा, एक तरीके से आपको ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लग रहा, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लग रहा. कैसे? इसमें अगर आप वैल्यूज पुट इन करते जाओ, इसमें अगर आप वैल्यूज पुट इन करते जाओ तो ये आपका कैसा बनेगा, जो हम लोग अभी लिख रहे थे ना, ए प्लस बी होल टू द पावर वाला, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, देखो ए प्लस बी होल टू द पावर एन में आप क्या लिख रहे थे, ए टू द पावर एन, फिर आप लिख रहे थे एन सी वन ए एन माइनस वन इंटू बी, ऐसे कर रहे थे. तो क्या यहाँ पे ये वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया, जहाँ पे आपका ये, या फिर ये वाला भी आप लोग देख सकते हो, 1 + x होल टू द पावर p, ये क्या हो रहा है, 1 + px + p × p−1/2 × x2. तो एक तरीके से यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है. अगर हम लोग देखें page 2 of table book में ये लिया हुआ है, ये जो पार्ट है आपका ये वाला, अगर आप z का वैल्यूज आगे आगे लेते जाओ, तो ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, e−λ+μ/z, और ये हो गया λ+μ/z. कैसे? समझो, अब इसका एक्सपेंशन करो λ+μ/z का, तो सेम चीज आएगा, देखना कैसे सेम चीज आएगा. जब आप इसमें इसका एक्सपेंशन करोगे, तो इसका एक्सपेंशन में क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले a⁻, हमारे केस में हो गया λ⁻, ठीक है, जेड सी वन, क्योंकि यहाँ पे जेड का वैल्यूज कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से ∞ तक, ठीक है, जैसे एक्स का वैल्यू 0 से ∞ जा रहा है, तो एक्स का वैल्यूज डालो ना यहाँ पे, डालो यहाँ पे पहले 0 डालो, 0 डालो, 0 डालो, तो क्या आ जाएगा, जेड सी 0 λ⁻¹⁰ μ⁻¹⁰, मैं करके दिखाती हूँ इसका एक्सपेंशन, जेड सी 0 λ⁻¹⁰ रुक जा, μ⁻¹⁰ प्लस जेड सी 1 λ⁻¹⁰ μ⁻¹⁰ नहीं, 2 नहीं, जेड माइनस 1 प्लस जेड सी 2 λ⁻¹⁰ μ⁻¹⁰ प्लस ……, ये चलते जाएगा. अब यहाँ क्या हो रहा है, ये इसका एक्सपेंशन देखो, page 2 of table book यूज करके सेम चीज आएगा, जेड सी 0 इज 1, λ⁻¹⁰ इज 1, μ⁻¹⁰ z,
ए प्लस बी होल टू द पावर एन का जो मैंने एक्सपेंशन लिखा था उसमें ए टू द पावर एन था पहले, वही चीज है एक तरीके से, एक तरीके से वही चीज हो गया। प्लस फिर क्या है एन सी वन, तो हो गया जेड सी वन लैम्डा टू द पावर वन म्यू टू द पावर जेड माइनस वन, तो ये वही चीज का पूरा एक्सपेंशन है। अब बताओ ये वाला जो देख के पता चल रहा है ये ब्लू पार्ट, ये किसका पीडीएफ लग रहा है? हाँ वेरी गुड, पॉइजन विद पैरामीटर, सो जेड फॉलोज पॉइजन, नाउ कैन वी से पॉइजन प्रोसेस इज एडिटिव, एक्स फॉलोज पॉइजन लैम्डा, वाई फॉलोज पॉइजन म्यू, दोनों का ऐड किए जो डिस्ट्रीब्यूशन बना दैट इज पॉइजन लैम्डा प्लस, ठीक है। ठीक है कर लो, हाँ लास्ट पार्ट कंपाउंड नेगेटिव बाइनोमियल, यहां मैं बोल रही हूँ एन फॉलोज नेगेटिव बाइनोमियल, खोल लो टेबल बुक में के कॉमा पी, ठीक है उसका एम एक्स टी बताना क्या है, मतलब अगर एम एन टी क्या हो जाएगा पी प्लस पी डिवाइडेड बाय वन माइनस क्यू ई टू द पावर टी, नहीं तुम किसका देख रहे हो टाइप टू, ठीक है होल टू द पावर के टाइप टू है ये, ठीक है अब करो चलो निकालो एम एस टी। करो चलो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ई टू द पावर लॉग एम एक्स टी है तो डायरेक्टली एम एक्स टी हो जाएगा इधर, सी एस टी निकाल लो के लॉग एम एस टी होता है तो के लॉग, एक बार ध्यान देना प्लीज, के लॉग ऑफ दिस जो ब्रैकेट में है ये पता होगा ना, लॉग ऑफ ए बाय बी इज लॉग ऑफ ए इंटू बी माइनस वन, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, वही चीज करेंगे। चलो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो के बाहर चला गया लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ वन माइनस क्यू, चलो तीनों डिफरेंस करो जीरो डालो, स्क्यूनेस वेरियंस और मीन निकालो,
सर वो तो सर करेक्ट टाइमिंग के लिए डेली है कंप्लीट कर रहे ले अभी मत करो जब उसमें सीरो डालोगे आठ मिनट नहीं होता पूरा तो मैं करके नहीं होगा इसके तो बेस बनाना पड़ता है ना जो है ना इंटरेस्ट पट्टी खींचता अरे नहीं फेविकॉल से लगा तो नहीं चिपके रहोगे फेविकॉल तो जो वो एक ही जगह चिपके रहना बीच बीच में नहीं फेविकॉल का क्रूस मार देंगे ठीक है तो बहुत से नहीं पर मैं अभी हो रहा है सच सच से नहीं हो पट्टी खींच के तब लगता है ये प्लाई लगता अभी प्लाई लगा के आया हूँ जैसे पट्टी खींचा था बेस में बेस क्या चीज से बना कोई जैसे व्हाइट पट्टी नहीं होती है कागज से हो जाएगा वो जो है उसमें नहीं वो कागज से टुकड़ी टुकड़ी उसमें है कितना एक ही तो है हाँ तो टुकड़ा है तो 100 बाजी नहीं करनी है वो एक ही टुकड़ा है ना देखो वो देखो पीछे अरे इधर वाला कमरा हो गया क्या इधर का कमरा हो गया झाड़ू की काम दे सीढ़ी हटा सिल्वर वाला भी था अभी कहाँ जा रहा है मालूम अभी मार कहा था अभी साइड पे थी आया हूँ बची है क्या नहीं बचा तो कुछ नहीं है मेरा है कि आपका रखा है कौन सा वो साउंड सुन रहा है आपके
हो गया क्या आ रहा है सी एस डैश टी के, ये लॉग पी तो पूरा हट ही जाएगा, ठीक है, फिर क्यों क्यों बोल रहा है, ढंग से सॉल्व किया करो लाइन वाइज, फिर माइनस क्यू डैश टी, भैया धीरे, ये हो गया, ये हो गया, नेक्स्ट सी एस डबल डैश टी साथ में निकाल लो, भैया थोड़ा धीरे बोलिए ना, ये हो गया, इसके बाद के क्यू एम एक्स डबल डैश टी, ठीक है, न्यूमरेटर सॉल्व करें बेसिकली, वन माइनस क्यू एम एक्स टी, फिर ये इसको ले लो, इसको सॉल्व करना है, तो माइनस माइनस प्लस के क्यू एम एक्स डैश टी, नीचे वाला क्या हो गया, वन माइनस क्यू एम एक्स टी का स्क्वायर, ये करना मत भूलना, और क्या बचा ऊपर, माइनस क्यू एम एक्स डैश टी, ठीक है, और सी एस ट्रिपल डैश टी माइनस के क्यू एम एक्स ट्रिपल डैश टी बाय वन माइनस क्यू एम एक्स टी, चार टर्म निकलेंगे इसमें, फिर ये वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे करती हूँ ताकि, ठीक है, फिर ये वाला हो गया माइनस के क्यू एम एक्स डबल डैश टी डिवाइडेड बाय वन माइनस क्यू एम एक्स टी का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस, अब वापस ये माइनस हो जाएगा, क्यू क्योंकि नीचे वाला को वापस सॉल्व करेंगे ना, माइनस सॉरी इनटू क्यू एम एक्स डैश टी, अब ये वाला टर्म, ये एक्चुअली क्या है, क्यू स्क्वायर एम एक्स डैश टी का स्क्वायर है ये, ठीक है ना, तो इसको साथ में लिख लेते हैं तब हम लोग को इजी रहेगा, ये क्यू स्क्वायर है, ये पूरा होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ऐसा, तो ये अपना निकल गया प्लस टू के क्यू, न्यूमरेटर करी हूं पहले सॉल्व, एम एक्स डैश टी एम एक्स डबल डैश टी, नीचे हो जाएगा वन माइनस क्यू एम एक्स टी का होल स्क्वायर, और क्या बचा, नीचे वाला टर्म, माइनस के क्यू स्क्वायर एम एक्स डैश टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस क्यू एम एक्स टी, ये टू एक आएगा इधर, ठीक है ना, ये क्यूब हो गया, इन टू वापस एक माइनस क्यू एम एक्स डैश टी, डन, ठीक है ना, समझ जा रहे, चलो एक बार मैं कर लेती हूँ फिर आंसर्स, हाँ बोलो, कहाँ बोल, सी एस डैश टी में, हाँ मालूम है, बस हो गया मेरा, ये उसको एक बार वो लिख देना, ये माइनस आया नीचे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, अच्छा प्लस हो जाएगा फिर, सही बोल रहे हो, तो सी एस डैश जीरो क्या हो जाएगा, के क्यू एम वन और नीचे हो जाएगा वन माइनस क्यू, वन माइनस क्यू क्या होता है, पी होता है, के क्यू एम वन बाय, दिस इज द आंसर, सिमिलरली ये आपका बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ एस हो गया, वेरियंस ऑफ एस माइनस के क्यू एम टू डिवाइडेड बाय पी हो गया वापस, वन माइनस क्यू इज पी, प्लस के क्यू स्क्वायर एम वन स्क्वायर बाय पी स्क्वायर,
अगेन ये माइनस नहीं आएगा ना इधर, क्योंकि वो माइनस फिर हट जाएगा। गड़बड़ हो गया क्या ये? ठीक है देख लो एक बार, ये भी माइनस नहीं है फिर, ये एक अननेसेसरी माइनस मेरा सब जगह आ गया। सी एस ट्रिपल डैश जीरो विच इज क्यूनेस आइडियली इज के क्यू एम थ्री बाय पी माइनस के क्यू, ये माइनस नहीं आएगा फिर क्योंकि मैंने उधर गड़बड़ किया है ना, ये प्लस रहेगा देखना तुम, ये प्लस रहेगा, ये प्लस है, ये प्लस है, तो के क्यू, के क्यू, हाँ के क्यू स्क्वायर एम वन एम टू पी स्क्वायर प्लस टू के क्यू स्क्वायर। अच्छा ये ऐड कर देंगे अपने, सेम चीज है ना, प्लस टू के क्यू क्यूब एम वन क्यूब बाय पी, एक तरीके से बहुत ही सिमिलर टू बाइनोमियल है, के क्यू एम थ्री बाय पी प्लस थ्री के क्यू स्क्वायर एम वन एम टू नेगेटिव बाइनोमियल टाइप। कर लो इसको, सो वी फिनिश रिस्क मॉडल पार्ट वन। ठीक है।